हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर इज स्विच्ड ऑन, इट इज नोटिस्ड दैट द लैम्प्स इन द रूम बिकम डिमर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन रीगेन देयर ओरिजिनल ब्राइटनेस। एक्सप्लेन। यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जब भी इलेक्ट्रिक हीटर को हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये देखा गया है कि रूम में अगर कोई लैम्प जल रहा होता है तो वो कुछ टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसकी जो रोशनी होती है वो धीमी हो जाती है एंड देन फिर वो अपनी ओरिजिनल ब्राइटनेस को रीगेन कर लेता है। तो बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, हीटर और लैंप जो होते हैं वो पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। हीटर एंड लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। और जो हमारा पावर होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब जो डेटाज है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले उनको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर कि जो हीटर का पावर है वो क्या है, P1 है। लेट अस कंसिडर P1 इज द पावर ऑफ हीटर। P1 क्या है, हीटर का पावर है। हीटर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 है। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर दैट इज इक्वल टू R1। वोल्टेज हम मान लेते हैं V1। और ये हो गया हमारा किसका, हीटर का। अब हम लैम्प्स का देखते हैं। तो मान लेते हैं पावर ऑफ लैम्प कितना है, P2 है। पावर ऑफ लैम्प इज इक्वल टू P2। रेजिस्टेंस R2 एंड वोल्टेज V2। तो ये हमारा लैम्प और हमारे हीटर का पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज हो गया। तो हमें पता है कि जो पावर होता है हीटर में वो लैंप से ज्यादा होता है, और हीटर और लैंप पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज ओवरऑल द सर्किट क्या होता है, थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है। सिंस हीटर एंड लैंप आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट, देयरफोर जो हमारा V1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के। और हमें पता है, वी नो दैट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है, पावर होता है हमारा V² / R के इक्वल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हीटर का पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सिंस पावर ऑफ हीटर इज मोर देन इट्स रेजिस्टेंस इज लो, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, लो होगा। इन कंपैरिजन टू द लैम्प, यानी कि P1 हमारा P2 से ग्रेटर है, तो R1 हमारा क्या है, लेस देन है किससे, R2 से। यानी कि यहाँ पर R2 हमारा क्या हो गया, ग्रेटर है। और P1 हमने क्या कंसिडर किया था, P1
P1 हमारा था पावर ऑफ द हीटर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा इसका। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, करंट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है बाई ओम्स लॉ। वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो जो करंट होगा वो ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जो होगा वो क्या होगा, कम फ्लो करेगा। यहाँ से हमको ये पता चलता है देयर फोर आई वन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आई टू से। आई वन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आर वन क्या है, कम है, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब हीटर को हम लोग पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं लैम्प के साथ, तो लैम्प जो होता है वो डिमर हो जाता है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो दैट इज द रीजन, क्योंकि करंट वहाँ क्या हो रहा होता है, कम होता है लैम्प में, कम हो जाता है लैम्प में। दैट इज वाई व्हेन द हीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, लैम्प बिकम्स डिमर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और हमें पता है कि हीटर क्या करता है, हीट जनरेट करता है। वी नो दैट हीटर जनरेट्स हीट, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आर वन इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, यानी कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, स्टार्टिंग में तो वो टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, तो हम धीरे धीरे देखते हैं ना टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज करता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ हीटर की बात हो रही है, तो आर वन हो जाएगा हमारा, आर वन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, देन करंट विल डिक्रीज, करंट क्या होगा तब, डिक्रीज करेगा। तो हीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और लैंप में इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और करंट इंक्रीज करता है, क्योंकि जो टोटल करंट होता है वो हमारा तो कांस्टेंट होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद लैंप अपनी ओरिजिनल ब्राइटनेस को रिगेन कर लेता है, यानी कि इन लैंप इट्स ऑपोजिट विल हैपन। Therefore, after a short interval of time, lamp regains its original brightness. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।